ईद उल अदा के मौके पर गुलबर्गा कांग्रेस माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब नईम खान साहब की ऑफिस पर वार्ड नंबर 20 के कॉर्पोरेटर खुसरो जागीरदार और नईम खान की निगरानी में कमरुल इस्लाम फाउंडेशन की जानिब से क्लीनिंग किट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। इस मौके पर नईम खान और खुसरो जागीरदार ने तमाम को ईद उल अदा की मुबारकबाद पेश कर कहा, जो कोई कुर्बानी कर रहे हैं वो लोग नूरबाग में मौजूद नईम खान के ऑफिस से क्लीनिंग किट हासिल कर वेस्टेज को सड़कों पर फेंकने से परहेज करें और शहर के हर इलाकों में कमरुल इस्लाम फाउंडेशन के जरिए क्लीनिंग किट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। आप अपने अपने एरिया कॉर्पोरेटर और कार्यकर्ता से राबता कर सकते हैं। वार्ड नंबर 20 के आवाम के लिए नईम खान और खुसरो जागीरदार क्लीनिंग किट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इसके अलावा सिटी कॉर्पोरेशन के जरिए गली मोहल्लों में साफ सफाई के लिए व्हीकल भेजी जा रही है और खासकर कॉर्पोरेटर खुसरो जागीरदार की जानिब से भी प्राइवेट व्हीकल्स अरेंज की गई हैं। एरिया सुपरवाइजर SI और व्हीकल के नंबर आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। मजीद इस मामले में नईम खान और खुसरो जागीरदार ने क्या कहा, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamam alam e Islam ko, tamam mazhab aur millat ko main Eid ul Adha ki taraf bahut bahut mubarakbad deta hu, mubarakbad pesh karta hu aur tamam गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट और गुलबर्गा जो है ना, खास करके नॉर्थ से जो है ना, आवाम से मैं अपील करता हूँ, खासकर हमारे मुस्लिम भाइयों से के जो लोग भी जो अपने घरों में कुर्बानी दे रहे हैं, तो खास करके जो है ना, इस ईद में जो है ना, साफ सफाई का ख्याल रखें। और आज नूरबाग में मेरे ऑफिस पर वार्ड नंबर 20 में तमाम जो है ना कुर्बानी देने वालों के लिए, खास करके जो है ना खमरुल इस्लाम फाउंडेशन की जानिब से मैडम कनीस फातिमा किट्स वगैरह जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ से वार्ड नंबर 20 के कॉर्पोरेटर खुसरो जागीरदार और हम लोग सब जो है ना, हमारे रोजा वेलफेयर एसोसिएशन यहाँ पे किट जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वीडियो डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ मैं एक मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि खास करके जो हिंदू भाइयों के एरिया में जो है ना, जो मुसलमान भाई हमारे जो कुर्बानी मनाते हैं, और लोगों से अपील करता हूं कि वो किट भी लेकर जाएं और साफ सफाई से जो है ना ईद मनाएं, क्योंकि हिंदू भाइयों को जो है ना तकलीफ नहीं होना, इस बात को लेकर जो है ना हिंदुस्तान भर में एक माहौल ख़राब कर चुके हैं। तो कुछ लोग शिद्दत करने की जो है ना कोशिश करते हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए हमारी अपील करने का मकसद ये है कि हम ईद मनाते हैं तो ईद मनाने का मकसद हमारा जो है ना हमारा एक मैसेज ये देना है कि हम जो है ना सुने तो इब्राहिम को जो है ना मना रहे हैं, उसको किस तरीके से मनाना चाहिए और किस सफाई से जो है ना मनाना चाहिए, किसी अड़ोस पड़ोस को तकलीफ न होना, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, उसको किसी को तकलीफ नहीं होना, उस तरीके से जब हम ईद मनाएंगे तो जो है ना किसी को तकलीफ भी नहीं होगी, किसी को जो है ना कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो मैं खास करके मुसलमान भाइयों से हमारे अपील करता हूँ कि ईद को जो है ना ईद को मनाएं, और आपको तमाम जितने भी वार्ड 55 हैं, जिसमें हर कॉर्पोरेटर को ये मैडम का जो है ना डायरेक्शन दिए गए हैं कि जिसको भी अपने जो है ना वो वेस्ट मटेरियल जो रहता है, वो वेस्ट मटेरियल के लिए वहाँ के वार्ड के कॉर्पोरेटर से कांटेक्ट करें, यानी तो SI का जो है ना कांटेक्ट नंबर दे रहे हैं आपको सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना मिल जाएगा, वो उससे SI से या जो है ना अपने कॉर्पोरेटर से कांटेक्ट करें, पूरा जो है ना इंतजाम किया गया है, वो अपना वेस्ट मटेरियल ये किट में डाल कर रखें, रख कर जो है ना उनको आने के बाद दे कर जो है ना उसका जो है ना साफ सफाई का जो है ना ख्याल रखें। आपको जब इंतजाम पूरा कर रहे हैं, हर चीज़ का जो है ना इंतजाम कर रहे हैं, तो आप जो है ना उसका ख्याल रखते हुए किसी को तकलीफ नहीं हो जैसा काम करें, बस यही जो है ना गुजारिश है। गुलबर्ग से एक ऐसा मैसेज दो कि यहाँ पे जो है ना अमन और शांति से जो है ना ईद त्यौहार मनाए जाते हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारे से रहते हैं, ये मैसेज देना है हमारे को, ये मैसेज देते हुए जो है ना हम इंशाल्लाह ईद को जो है ना बहुत अच्छी तरीके से मनाएं। मैं और एक बार जो है ना ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ गुलबर्ग की आवाम को भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हर साल की तरह इस साल भी जो कि डिस्ट्रीब्यूशन वार्ड नंबर 20 में जो किया जाता है कमरुल इस्लाम फाउंडेशन की तरफ से, आज भी डिस्ट्रीब्यूशन किट का दिया गया है। किट देने का मकसद यही है कि वार्ड में जो आप कुर्बानी देते हैं वो उसका खास करके
साफ सफाई का ख्याल रखना है और साथ ही साथ वहाँ पर किसी को आजू पड़ोस को तकलीफ ना हो ऐसा आप कुर्बानी दीजिए। उसके साथ हम तमाम यहाँ के जिम्मेदार नईम खान साहब और हम मिलकर जो जो गवर्नमेंट से जो व्हीकल जो तीन व्हीकल जो टमटम है और एक ट्रैक्टर है उसके अलावा भी हमने हर साल की तरह इस साल भी प्राइवेट हम टमटम रख रहे हैं। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो लोग जैसा भी कुर्बानी दिए है तो फौरी तौर पर आप फोन कीजिए, हम फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँच कर आपका जो भी जो वेस्टेज है इंशाल्लाह जल्द से जल्द वहाँ से क्लियर करेंगे। मैं वार्ड नंबर 20 की आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि साफ सफाई का ख्याल रखें। तो मेरा नंबर तो तकरीबन लोगों के पास मौजूद है, उसके साथ अलावा SI का जो हमारे यहाँ पर सुपरवाइजर है राजू उनका भी नंबर आपको मैं इस स्क्रीन पे देता हूँ। राजू का जो नंबर है 8792346135 SI का नंबर जो नागराज का है 6360428961 SI का नंबर जो है 6360428961। इसके अलावा टमटम वालों का नंबर मैं आपको वो भी नंबर देता हूँ, वो भी नंबर आप उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, इमीडिएटली आपको वहाँ पर व्हीकल मिलेगी। जो टमटम का नंबर ड्राइवर का नंबर है रमेश का 7795900424 और एक जो बोलेरो का नंबर है ड्राइवर का 9513197261 और एक ट्रैक्टर का जो नंबर है राजू ड्राइवर बोल के 9449082311। आप इस पे नंबर पे फोन करके आप इमीडिएटली आपका वहाँ पर घर तक व्हीकल पहुँचेंगे। मैं और एक बार तमाम लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि खास करके साफ सफाई का ख्याल रखिए, इंशाल्लाह आपके घर तक कल इंशाल्लाह मैं भी डोर टू डोर मौजूद रहूँगा 3 दिन पूरे। आप मेरे को भी कॉल कर सकते हैं, इमीडिएटली इंशाल्लाह मैं व्हीकल लेकर आप तक पहुँचूंगा। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga.